हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आप सभी को जैसे पता है कि सीटेट की कंटिन्यू क्लास हम लोग चला रहे हैं। सीटेट में आज हम लोग अगला जो टॉपिक लेके चलेंगे वो है वचन, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही कम समय में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आइए तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। और इस व्याकरण में हमारा जो टॉपिक है वह है वचन। वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या। अर्थात विकारी शब्दों के संख्या का बोध कराए वही वचन है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, इसके दो प्रकार हैं, एकवचन और बहुवचन। इससे एक संख्या का बोध और इससे एक से अधिक संख्या का बोध है। जैसे कलम, पुस्तक, इसका हो जाएगा कलमे, पुस्तकें। जैसा आप सभी को पता होगा प्यारे साथियों, ये है उदाहरण जो है आपका संज्ञा शब्दों का, अर्थात कि कलम, पुस्तक, कलमें और पुस्तकें। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे हम लोग वचन का परिवर्तन करते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम लोग एक वचन से बहुवचन में बनाते हैं। तो एक वचन से बहुवचन में बनाने का नियम क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले एक वचन से बहुवचन में बदलने का नियम, नियम कहता क्या है? पहला कहता है आकारांत पुल्लिंग। इसमें ए जोड़ करके हम लोग बहुवचन बनाते हैं। जैसे लड़का का लड़के, जैसे बालक का, जैसे लड़का का लड़के, ठीक है, कपड़ा का कपड़े। इस प्रकार से जो है हम लोग आकारांत पुल्लिंग वाले शब्दों को ए लगा करके बदल देते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल जाना चाहें, जैसे घोड़ा का घोड़े और गधा का गधे। दूसरा नियम कहता है आ या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसमें ए जोड़ करके क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कलम, कलमें हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं,
प्यारे साथियों, जैसे लेखक, लेखिका, लेखिकाएं हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे उदाहरण में इसको जान सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे बात का बातें, गाय का गायें और माता का माताएं होता है। चलिए, तीसरा नियम कहता है ई और ईकार अंत में प्लस या जोड़ करके हम लोग बहुवचन बनाते हैं। जैसे नदी का नदियां, जैसे पत्नी का पत्नियां, ठीक है, नदी का नदियां, हाँ ठीक है, पत्नी का पत्नियां, इस प्रकार से हम लोग इसको बदलते हैं। लड़की का लड़कियां, उसी तरह रीति का रीतियां। ये जो है आपके ई कारांत हैं, इनको प्लस या में जोड़ करके बदल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद एक एग्जांपल है, हम लोग ओ का प्रयोग करके ओ को जोड़कर भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे कथा का कथाओं, जैसे साधु का साधुओं, माता का माताओं, इस प्रकार से और भी बहुत सारे हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे कुछ शब्द हैं वो सदैव बहुवचन में रहते हैं। जैसे वो कौन कौन से शब्द हैं, उनको देखते हैं जो सदैव आपके बहुवचन में रहते हैं। जैसे देखिए, प्राण है, दर्शन है, आंसू है, ये ऐसे शब्द हैं जो आप सदैव इनका प्लूरल में यूज करते हैं। जैसे होश है, बाल है, हस्ताक्षर है, सदैव इनका प्रयोग प्लूरल में ही होता है। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं सदैव एक वचन में रहते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में रहेंगे, जैसे माल है, सामान है, जनता है, सोना है, सामग्री है, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये था आपका वचन का टॉपिक, जो कि पूरा हो गया है।